सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के तत्वाधान में टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। यहां विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने सेवानिवृत्त प्राचार्य एचएस वर्मा सर पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से श्री वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी सेवाएं की है और कई विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने सेतु का कार्य किया है। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। आयोजित टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने यहाँ पर अनुभवी लोगों को बुलाया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में प्रतिभागी बच्चों का उत्साह वर्धन करने दुर्ग आदर्श कन्या शाला के सेवानिवृत्त प्राचार्य, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है, एचएस वर्मा सर पहुँचे। विद्यार्थी उन्हें अपने मध्य पाकर काफ़ी हर्षित नजर आए। साथ ही बच्चों ने अपने डाउट्स भी वर्मा सर से क्लियर किए। प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक कैसा प्राप्त किया जाएगा, सफलता कैसे मिलेगी, इसे लेकर वर्मा सर ने बच्चों से चर्चा की और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया। और इतना ही नहीं, मुख्य अतिथि रहे एचएस वर्मा सर ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। आप लोग भाग्यशाली होंगे सर के साथ। बच्चों का उत्साह वर्धन करने पहुंचे पूर्व प्राचार्य एचएस वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। इस संस्थान से जिसके डायरेक्टर जैन साहब हैं, अभी से नहीं बहुत दिनों से जुड़ा हूं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं जब आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल था तब से हमारे संबंध हैं। और मैं ऐसे होनहार बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है, पर एम्बिशन उनमें है, उम्मीद है कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को लेता हूँ और जैन साहब के कोचिंग सेंटर में उनको फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग भी मिलती है, सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर जहाँ भी एडमिशन होती तो एडमिशन करा देना ही सब कुछ नहीं है, पूरा उनका कोर्स पूरा होते तक उनके लिए एक गार्जियन बन के रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसी मुहिम में लगा हूँ और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दो तीन तो मेडिकल निकल चुके हैं, दो अभी हैं, एक सेकंड ईयर में है, एक थर्ड ईयर में है, एक अभी फर्स्ट ईयर में गई है, ऐसे बच्चे हैं। और मेडिकल लाइन का मेरा इंटरेस्ट शुरू से इसलिए रहा है कि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको प्रोफेशन ना कहें, सेवा है, सर्विस, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सोसाइटी को है। डॉक्टर्स की कमी अभी नहीं, हमें आप 20 साल बाद भी कहोगे तो कमी बनी ही रहेगी, अच्छे डॉक्टर की कमी हमेशा रहेगी। तो इससे एक जो समाज की जो सेवा है, इस माध्यम से मैं थोड़ा सा एक अंश दे पा रहा हूँ, बस यही मेरा मकसद है। इस वर्ष की टेस्ट सीरीज का आज पहले टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें टॉप 20 में 28 बच्चों ने अपना स्थान बनाया। एक सुखद बात है कि प्रतिस्पर्धा इतनी अच्छी है कि 20 में से जो टॉप 20 है उसमें से 28 बच्चे आ गया है। उनका हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए एचएस वर्मा सर उपस्थित थे। एचएस वर्मा सर एक जाना माना नाम है, जिन्होंने बहुत से बच्चों की आर्थिक मदद की है, जिसमें हमारे यहाँ मनीषा चंदेल, खुशबू कुर्रे, इस तरह के काफ़ी बच्चे रहे हैं और उन्होंने बच्चों को काफ़ी हौसला अफजाई की। आज मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि भाई आपने जितने भी नंबर लाए हैं, जो आज का पहला टेस्ट का जो भी आपकी स्थिति रही हो, अब उसे बेहतरी की ओर बढ़िए आप, और वो किया जा सकता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप कितने से रुक रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, तो आपको और बेहतर करने का अवसर है। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया और आगे भी इसी तरह के टेस्ट के परिणाम होते रहेंगे और हम मुख्य अतिथियों को बुलाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें दोनों बातें हैं कि जो समाज के
अच्छे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों की मदद के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए। और जो पिछले 5 वर्षों से ही हमारी परंपरा है कि जो हमारे संस्थान से पढ़े हुए बच्चे जो आज शहर में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको बुलाएं, ताकि इन बच्चों के लिए भी एक संबल रहे कि जो सामने जो हौसला अफजाई के लिए आया बच्चा, वो भी कभी इसी रास्ते से गुजरा था, इन्हीं के जैसा था। वही इस टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ के टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब क्वेश्चंस जो है नीट के हिसाब से आते हैं, और कभी कभी लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो वो प्रैक्टिस के लिए हमारे अच्छा होता है। और यहाँ पे मतलब जो टीचर्स है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, टेस्ट के बाद जितने भी क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। उनसे बहुत कुछ सीखा, लाइक कितने अच्छे से वो कितने सारे लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत हेल्प करते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से मैं आगे पढ़ाई करूं कि और अच्छे से कर सकूं। और ये भी हो गया कि मुझे आगे और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की टेस्ट सीरीज जो है वो मेरे लिए बहुत मदद के लिए आ रही है। जैसे कि नीट में हमें लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमें अभी करने को मिल रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और लेवल, वो सब हम लोग को पता चल रहा है। और जब बाद में हमें उसमें डाउट भी होता है तो हमारे टीचर्स उसमें बहुत साथ दे रहे हैं। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, और नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका लेवल हमें पता चलता है। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे नीट के लेवल के होते हैं, अगर उसमें कुछ डाउट हो या कुछ हो तो टीचर लोग सारा क्लियर कर देते हैं, टीचर लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं टेस्ट में। जिले व प्रदेश सहित देश में अपनी बेहतर शिक्षण शैली के लिए जाने पहचाने जाने वाले सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की ही देन है, जो आज वर्तमान में यहां से अध्ययन प्राप्त कर लक्ष्य पा चुके विद्यार्थी देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें, आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने मील का पत्थर साबित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।